तो हम लोगों ने बेसिक्स किया, सेकंड टॉपिक लिखोगे, अभी सिर्फ फर्स्ट किया है बेसिक्स, सेकंड लिखोगे रिप्लेसमेंट डिसीजन। बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं और क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो यहां से आने की उम्मीद ज्यादा है। रिप्लेसमेंट डिसीजन, समझ ले पहले क्या है सीन पूरा। मशीन खरीदी गई थी कॉस्ट 1 लाख और लाइफ 10। कोई मशीन खरीदा गया था कितने रुपए में? 10, 1 लाख रुपए में, और कितने साल चलने वाली थी? अब धीरे 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 टाइम बीता और अभी करीब करीब 4 साल हो चुके हैं। कोई ये बता सकता, अगर मेथड है SLM तो मशीन की बुक वैल्यू क्या बची होगी? 60,000। ये 1 लाख है, एक ठीक है। बुक वैल्यू कितनी बची है? अभी भी इसकी कितनी लाइफ बाकी है, रिमेनिंग लाइफ? 6 साल। अभी भी ये 6 साल चला सकते हैं यहाँ, ठीक है। पर ना यार, अब जब हम यहां पहुंचे, 4 साल हो चुका है, जब यहां पहुंचे तो हमें पता लगा कि न्यू टेक्नोलॉजी, और इससे अभी अगर हम 6 साल और चलाते हैं तो CFAT कितना आएगा? मैं ये भी बता देता हूँ, CFAT आएगा 20,000। और यहां पता लगा कि यार ये मशीन आज से कितना बचा है अभी साल? 6 साल। तो ये मशीन अगर हम 6 साल चलाते हैं और बेचते हैं तो अनुमान लगाया कि 5,000 रुपए में बिक सकती है। यहां एस्टिमेशन क्या था वो यहां से हमको पता लग गया। मशीन क्या हमने ऑलरेडी खरीद चुके हैं? हाँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ आज। कितना है उसका बुक वैल्यू? 60,000। अभी भी लाइफ है 6 साल बाकी, CFAT है 20,000। CFAT मतलब ये पर है ना, मैं हर साल आने वाले 6 साल तक 20-20 हज़ार रुपये कमाएंगे और यहाँ लास्ट में हम कितने में बेच देंगे? 5,000। फिर पता लगाया कि यार न्यू टेक्नोलॉजी, नई मशीन आई है और उससे प्रोडक्शन अच्छा होता है, कॉस्ट कम हो जाते हैं, तो न्यू मशीन मार्केट में अवेलेबल है, अच्छी टेक्नोलॉजी न्यू मशीन। और सर न्यू मशीन कितने की आ रही है? न्यू मशीन का कॉस्ट है 2 लाख, ठीक। सर अगर हम न्यू मशीन खरीदते तो उससे CFAT कितना आएगा? उससे CFAT आएगा, मान लो इससे कितना आ रहा है, उससे आ जाएगा 45,000। और इसकी लाइफ कितनी है? तो इसकी भी लाइफ कितनी है? 6 साल। और इसको भी अगर सेलवेज की बात कीजिए तो सेलवेज आएगा इसका करीब करीब 25,000, ठीक। अब सवाल ये है, हम हमारे ओल्ड मशीन ऐसा नहीं है कि चल नहीं सकती, चल सकती है, पर हम ये सोच रहे हैं ओल्ड मशीन को क्यों ना आज बेच दिया जाए और इसको रिप्लेस करके न्यू मशीन खरीद लिया जाए। ओल्ड मशीन को बेचोगे आज तो पैसा भी तो मिलेगा। अच्छा तो सर इसकी आज की मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू आज कितने की बिकेगी? मार्केट वैल्यू, और मेरा मानना है कि आज 66,000 रुपए की बिक जाएगी। कौन सी मशीन? पुरानी वाली मशीन 66,000 की बिक जाएगी। तो बताओ आज मेरे जेब से नेट कितना लगेगा अगर मैं नई मशीन खरीदता हूं?
अगर क्योंकि यार ये टॉपिक रुलाता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ रुलाता है ये टॉपिक, तो आराम से समझते जाओ। अगर हम नई मशीन खरीदते हैं तो कितना पैसा जाएगा? 8-2 लाख, पर कुछ आ भी तो जाएगा, कितना जाएगा? 66। तो एक्स्ट्रा कितना जाएगा? 1 लाख। एक्स्ट्रा को हम यहां नाम देंगे इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल कैश आउट। तो हमारा यह है कि एक्स्ट्रा जो जा रहा है 1,34,000, ये जो जा रहा है हमें एक्स्ट्रा खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुछ फायदा वायदा है कि नहीं है ये देखना है। अगर हम ओल्ड मशीन ही चलाते तो कितना कमाते हर साल, और न्यू 45, तो एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हर साल, एक्स्ट्रा कितना, ये भी पा रहे ना मैं, है ना, हर साल एक्स्ट्रा कितना कमा रहे? 25,000। इसको क्या नाम देंगे हम? इंक्रीमेंटल CFAT। फिर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, यहां अगर इसी मशीन को चलाते तो कितने मिलता लास्ट में? 5,000। और इसको चलाएंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा? 25। तो एक्स्ट्रा कितना मिलता? क्या ये हर साल मिलता? ये तो लास्ट में मिलता। इसका नाम क्या रहेगा? इंक्रीमेंटल सेल्वेज में मुझे अच्छा नहीं लगता, टर्मिनल वैल्यू थोड़ा। अब फिर देखेंगे कि यार पैसा हमारा पॉजिटिव है एनपीवी की नहीं, और काम करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। और सर टैक्स रेट, टैक्स रेट हमारा फेवरेट 30%, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना? 10%। इसमें मुझे लिखवाना है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे ही याद रहेगा। जीरो पीरियड, जीरो लिखना, जीरो याद है, 0, 1, 2, 3 पर जीरो कहाँ लिखूं? मैं कहाँ खड़ा हूं? यहां, यहां। डिसीजन कहाँ ले रहा हूं मैं? आज। तो ये क्या है? जीरो। थोड़ा मत करना, पता लगा इन सबको 34 साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर, एक्स्ट्रा दिमाग से। क्वेश्चन पूछा जाएगा वेदर ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस्ड और नॉट। एक्चुअली इसमें मुझे फॉर्मेट बनवाना था, पर अब क्वेश्चन इस एग्जांपल के साथ साथ फॉर्मेट बना लेंगे। तो हमें क्या निकालना अल्टीमेटली? एनपीवी। तो लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, फॉर्मूला वो फॉर्मेट वैसे ही रहेगा जैसे कर।
सर इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन बेसिक से आया था कि रिप्लेसमेंट से? एक क्वेश्चन रिप्लेसमेंट इस अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 10 नंबर का। याद है कैसे बनता था? क्या होता था? ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कितना परसेंट अमाउंट ऑफ प्रेजेंट। पहले लिखा जाएगा इंक्रीमेंटल, कैश आउटफ्लो, ठीक, और यहां जाएगा कॉस्ट ऑफ, कौन सी मशीन खरीद रहे हैं, न्यू, आज खरीद रहे हो, कितने का? 2 लाख। पर आज ही हम बेच देंगे, जब न्यू खरीदना ही है तो ओल्ड रखकर करेंगे क्या, बेच देंगे। सेल ऑफ ओल्ड मशीन कब बेचोगे? आज। अब बेचने से कितना पैसा आएगा? काश इतना आसान होता। वर्किंग नोट नंबर मुझसे आगे कोई नहीं चलेगा। अब भाई आप सुनो, आप एक्सपर्ट लोग हो, बुक वैल्यू कितनी है, बेच कितने में? 66। आप भी जानता है टैक्स वाला तो घर आएगा, 6,000 कैपिटल गेन है तो वो तो ले जाएगा। तो सर वर्किंग नोट बना ही ले क्या? हाँ सर, ये जानबूझ के क्यों ना? हाँ, वर्किंग नोट नंबर 1। सर मुझे मालूम है मन ही मन में क्या क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत। ये डिजिटल बोर्ड का फायदा, डिजिटल बोर्ड का फायदा मैं बताऊं, इधर सब दिखता, मुझे पीछे क्या है आपको नहीं दिखेगा, यहाँ खड़े हो गए सब कुछ दिखेगा, देखोगे सेल ऑफ ओल्ड मशीन। सबसे पहले क्या जाएगा? सेल्स कंसिडरेशन, मशीन कितने की बेच रहे हूँ? 66,000। माइनस क्या करोगे भाई? बुक वैल्यू निकालना है या निकला हुआ है? निकला हुआ 60,000। तो बताओ 6,000 क्या आ गया हमारा कैपिटल गेन। टैक्स का रेट कितना है? 30%। तो 6,000 का 3% कितना? 1,800। तो यहाँ टर्मिनल वैल्यू लिखते हो आप, कहीं भी है लिख सकते हो, पर वो बार बार लिखोगे उस चीज को, तो यहां मैं लिख देता हूँ सेल ऑफ ओल्ड मशीन, नेट ऑफ टैक्स करके लिख सकते, टैक्स काटने के बाद कितना? 64,200। ये कैसे आया? 66,000 बेच नहीं पाएगा, टैक्स वाला 1,800 ले जाएगा, 1-2 हो गया, हो गया सबका। तो अब यहाँ 64,200, कुछ बच्चों को दिक्कत है तो चलो ब्रैकेट लगा देना,
ठीक है, आउटफ्लो इनफ्लो में दिक्कत होता होगा ना। 64,000 कैसा आउटफ्लो लिख रहे हैं ना हम लोग, ये पैसा जाएगा पर ये आज ही आ जाएगा, तो नेट मेरे जेब से कितना। इसको बोलते हैं टोटल ऑफ ए। इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस हर साल कमाओगे तो यहां आएगा इंक्रीमेंटल सीएफएटी, फॉर्मूला होता है सीएफएटी ऑफ न्यू मशीन माइनस सीएफएटी ऑफ ओल्ड मशीन, पर ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है तो कॉमन सेंस। तो न्यू मशीन से ज्यादा कमा, न्यू मशीन से कितना आ रहा सीएफएटी 40 माइनस 20,000 और कौन भी कोई तो बोला था 20,000 25,000 ठीक। यहां क्या लिखो, हाँ मतलब ईयर कौन सा, जीरो टू सिक्स, वन टू सिक्स, वन टू सिक्स पहले पैसा यहां से मिलना स्टार्ट हो जाएगा क्या, यहां से ये जीरो है भाई, जीरो 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 ठीक, तो यहां से मिलेगा पैसा एंड में ना यार, हम तो वही मानते कि एंड में ही मिलता है करके। वन टू सिक्स पक्का ना, नहीं मैं फैक्टर 10% का फोर पॉइंट थ्री फाइव फाइव वन जीरो साथ में और आएगा इंक्रीमेंटल सेल्वेज वैल्यू, ये टर्मिनल वैल्यू। अगर न्यू मशीन को 5 साल चला 6 साल चलाते और बेचते तो कितने का, 25 माइनस 5 कौन सी ईयर 60 20,000 फैक्टर पॉइंट फाइव सिक्स ओ वन वन टू एट जीरो और इसको ऐड कर देंगे तो 1,088,715 दस 11,280 तो यार ये आ रहा 1,201,555 एनपीवी निकाल लेते नेगेटिव आ रहा है क्योंकि तो यार लग रहा है ज्यादा पैसा आ रहा है कम, बोलो कितना आ रहा है 1,005 और नेगेटिव आ रहा है एनपीवी, तो क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं रिप्लेस नहीं करना चाहिए, जैसा है चलने दो ठीक है, सिंपल है।
बस दिक्कत क्या होगी इस क्वेश्चन में, आपको CFAT नहीं दिया रहेगा दोनों ही मशीन का, तो दोनों मशीन का CFAT निकाल लेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल का, अभी एक का कर रहे थे अब दोनों का करोगे। अच्छा सुनो, अब बच्चों के डाउट क्या है, उनका पहला डाउट था सर आपने ये पैसा कहाँ से लाया, ओल्ड मशीन को बेचकर, कब बेचा, आज, और ये क्या है मतलब कॉस्ट किसका, ये वाला, ये वाला, ये कब बेचा, ओल्ड बस ओल्ड वाले को कब बेच रहे हो, 6 साल बाद। तो उनका कहना सर एक ही मशीन को दो दो बार जब आज बेच दिया तो फिर 6 साल बाद कैसे बेचोगे, ऐसा उन्होंने पूछा, आप आपको तो नहीं आ रहा ना ऐसा कोई नहीं। फिर भी लेगा, हम सोच रहे हैं अगर हम यूज करते तो क्या होता है ना। हाँ मैं उनका डाउट पूछा, मैं जानता था आपको नहीं आएगा इसलिए मैंने जब ठीक है ऐसा उन्होंने पूछा, ठीक है सर बात समझ में आ गई, ऐसा बेकार की चीज मत सोचा करो। आ जाते बुक पर, क्वेश्चन नंबर 39। An existing machine. मिल गया क्वेश्चन, तो बोले भाई पहले से मशीन है, कैन बी सोल्ड टूडे, और अभी कितने में बेच सकते हो, 1 लाख नेट, नेट का मतलब द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, CFAT दे रखा है 4 साल 30,000 पर एनम, ये किसकी बात हो रही है, ओल्ड मशीन पुरानी, At the end of fourth year, the existing machine can be sold 20,000. ठीक, new machine can replace the existing machine at a net cash outflow 1,50,000. मतलब भाई और new machine खरीदोगे तो कितने रुपए जाएगा, 1,50,000। इंक्रीमेंटल का मतलब हो गया 1,50,000 माइनस 1,00,000, आप ये कह रहे हो कि जो 1,50,000 आया ये 1,00,000 घटाने के बाद आया, नेट कैश आउटफ्लो दिया नहीं, नेट कैश आउटफ्लो का मतलब जरूरी नहीं है कि नेट का मतलब माइनस करने के बाद दिया है, नेट का मतलब होता है कि यार मशीन खरीद के अलावा और भी कुछ खर्चे लगते कुछ बचते वो सब कंसिडर करने के बाद 1,50,000। एंड विल जनरेट CFAT 46,000, ये कौन सी मशीन का है, स्क्रैप वैल्यू कितना दिया 25,000, यहाँ भी नेट शब्द लिखा हुआ है, ये तो टैक्स नेट का मतलब, यहाँ नेट का मतलब नेट ऑफ टैक्स और यहाँ नेट का मतलब वो माइनस करने के बाद, ऐसा बोल रहा हूँ। एक्सेट्रा, हाँ मैं एक्सेट्रा, हाँ कहीं सुना है क्या, मैंगो यहां आ सकता है, यहां, अच्छा ये एक जैसा नहीं दिख रहा है क्या, हाँ अब मैंगो यहां आ सकता है, नहीं आ सकता, इट मीन्स एक्सेट्रा इज नॉट इक्वल टू एक्सेट्रा, है ना, तो आप, मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ सर, नेट नेट का मतलब अलग अलग हो सकता है, बाकी बच्चे हंस रहे थे ना, मैं आपके लिए बोल रहा था, हाँ अलग अलग हो सकता है। डिस्काउंटिंग रेट कितना है, 10%। आपको क्या करना है बताइए, मशीन खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी, भगवान का नाम ले और स्टार्ट करें, खास बात है टैक्स का रेट नहीं दिया,
डायरेक्ट करना चाहोगे क्वेश्चन बिना टेबल के? हाँ चलो, तो बिना टेबल के नहीं, टेबल के साथ ही करेंगे। तो लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ एनपी। हाँ सही, हाँ प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। पक्का ना? इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन जीरो, वन, कितने का? वन लैख फिफ्टी था। ठीक है ना, सेल ऑफ ओल्ड मशीन। आज वन नहीं के बेचोगे, एक लाख दस, और क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन सुनोगे, सुनोगे बच्चे यहाँ गलती क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ किया, सुनो मुझसे जो गलती हुई, क्या मैंने यहाँ माइनस का साइन लगाया है? तो इधर ब्रैकेट नहीं लगा सकते, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये तो पता होगा आपको। नहीं तो वर्किंग कैपिटल करके एक चैप्टर आएगा उसमें तो फंसोगे फिर। तो या तो माइनस का साइन लगाइए तो ब्रैकेट मत लगाइए। अच्छा हमको तो लास्ट वाला जो कितना आ रहा है, अच्छा पी इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस। और इसमें आएगा इंक्रीमेंटल सीएफपी। न्यू मशीन का सीएफपीडी कितना था यार, और ओल्ड मशीन का तो कितना बचा? 16,000। कितने साल? 3.1 वन से वन आया क्या? वन से वन जीरो ही लिखना चाहिए, वन से वन जीरो ही लिखना चाहिए। हाँ
50720 तो फैक्टर दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया रहा तो फिर आप गलत, क्योंकि 3.169 के बाद 7 है तो उसको राउंडेड ऑफ कैसे होगा वो। इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू, न्यू मशीन को चलाकर अगर बेचते तो कितने की बिकती? माइनस, कौन सी ईयर में? फोर्थ, 5000 पॉइंट, ये आ गया 3415 5 4 135। क्या एनपीवी पॉजिटिव है? यस। बी माइनस ए 4135। कैन पी भी पॉजिटिव है? यस। मशीन शुड बी रिप्लेस्ड। कैसा लगा टॉपिक? हाँ सब आएगा, अभी सारी चीज जो पढ़ा है वो सब कुछ आने वाला है। बेसिक तो पूरा यूज होना है आखिरी तक, कैपिटल मशीन। यही भी आ सकता, तो कुछ भी पूछ सकता है इसमें, क्या चीज। तो चले क्लास स्टार्ट करें। अभी तो क्लास का, क्लास का सही मजा तो बड़े बड़े क्वेश्चन। तो चलो जी, क्वेश्चन नंबर 40, कैपिटल क्वेश्चन। अब रिप्लेसमेंट में एक बात अच्छे से समझ लेना कि क्वेश्चन प्लीज ऐसा पैराग्राफ में देखा लिखते हुए चलना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है। आर लिमिटेड वुड लाइक टू रिप्लेस एन ओल्ड रिलेटिवली इनएफिशिएंट मशीन दैट वाज परचेस्ड। कब परचेस किया था भाई? 4 साल पहले। कितने में? 1,00,000। और जब परचेस किया था उस समय मशीन की लाइफ कितनी थी? 10 साल। और सैलवेज कितना था? 0। तो सोच के बता सकते हो, 4 साल हो चुके हैं, एसएलएम मेथड था, तो आज बुक वैल्यू कितना बचा? 60,000। लिख लूं क्या? अच्छा 60,000 निकाल ही क्यों रहे हो? क्वेश्चन वाला तो बहुत अच्छा है, बुक वैल्यू कितना दिया है? 60,000। ठीक है, ये ओल्ड मशीन का डिटेल दिया। द डिवीजन मैनेजर रिपोर्ट दैट न्यू मशीन कैन बी बॉट एंड इंस्टॉल। चलो न्यू मशीन की भी बता दिया, न्यू मशीन, न्यू मशीन का कॉस्ट कितना दिया भाई? 1,00,000। इसकी लाइफ कितनी बची हुई थी ओल्ड मशीन की? तो न्यू मशीन की भी लाइफ कितनी मान के चलेंगे? चाहे क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, अगर नहीं भी बोलता तो 6 ही साल मानता पहले, अब समझ। इसकी वजह से सेल्स जो है 1,00,000 से कितना हो जाएगा? 1,20,000। इट मीन्स यहाँ सेल्स कितना हो रहा था? 1,00,000, और यहाँ सेल्स हो जाएगा 1,20,000। इसके अलावा ऑपरेटिंग कॉस्ट, पहले खर्च कितने होते थे ऑपरेटिंग कॉस्ट? 70,000 रुपये लगता था हर साल का, और अब कितना लगेगा न्यू मशीन से? 50,000। सेल्वेस कितना दिया है?
द न्यू मशीन हैज एन एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ 6 years और उसके बाद ये 10,000 है एक्चुअली 10,000 में बिक जाएगा, मतलब इसका सर्विस दिया न्यू का। ओल्ड मशीन का करंट मार्केट वैल्यू कितना है? करंट मार्केट प्राइस 10,000। इनकम टैक्स रेट है 50% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 12%। अच्छा बताओ ओल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन कितना है? आने वाले 6 साल में हर साल डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 10, 10, 10 इसके हिसाब से 60,000 डिवाइडेड बाय 6 कि 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10। याद रखना मेरी बात, तो यहाँ कितना जाएगा? तो एक ही बात बोला है भी किसी ने, मुझे याद है। अच्छा न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन क्या आएगा भाई, निकाल लो एक बार, हालांकि हम बाद में 1,30,000 SLM मेथड है ना यार। हाँ 1,30,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना? 30,000। अब सोचते थोड़ा सा, हमारा फॉर्मेट हमको पता है, शुरू में आएगा कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 1,30,000, पहले सोच ले क्या क्या लगेगा, फिर माइनस क्या करोगे सेल ऑफ ओल्ड मशीन, उसमें टैक्स वैक्स का चक्कर आएगा, फिर नीचे आ जाते हैं, बस फिर लगेगा इंक्रीमेंटल CFAT, वो कैसे निकालते हैं? CFAT ऑफ न्यू मशीन माइनस CFAT, और दोनों ही नहीं दिया है, हाँ बाकी सारे डिटेल दिया है, और फिर क्या आ जाएगा हमारा इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू, इसका तो 0 दिख ही रहा है, और इसका कितना है 10,000, तो 10,000 माइनस वो तो हो जाएगा। तो पहले यार हम एक काम कर लेते हैं ना, वर्किंग नोट कर, CFAT तो निकाल लेते हैं इंक्रीमेंटल, चलो काम करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल CFAT वर्किंग नोट नंबर 1। आप CFAT पहली बार निकाल रहे हो, इंक्रीमेंटल पहली बार निकाल रहे हो, पर CFAT तो निकाल चुके हो ना, तो आपको क्या बोलना चाहिए? सर रहने दो हम निकाल के बताओ। कुछ नहीं करना है, एक तरफ ओल्ड आ जाएगा एक तरफ न्यू आ जाएगा, हर साल का एक जैसा रहेगा, कोशिश तो करो। हाँ पक्का मैं साथ साथ दूंगा, हाँ भाई हर साल का तो CFAT एक जैसा आएगा ना यार, ना डरते क्यों? इसलिए ना ओके चलो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए बना देता हूँ। देखोगे हो गया कितना आ रहा आंसर फाइनल, 30 नहीं फाइनल इंक्रीमेंटल,
हाँ जी, मुझे तो इंक्रीमेंटल चाहिए ना। अच्छे से वहाँ लिख लेना इंक्रीमेंटल CFAT, ताकि सीधा 25,000 उठा कर लिख लें। वही करवा रहा हूँ। सुनो मेरी बात, सुनना ध्यान से। सेल्स अभी कितना है? था 1,00,000 और फिर 1,20,000। तो क्या सेल्स बढ़ा कितने से? तो इनका कहना है सर ऐसे भी तो कर सकते थे ना, इनक्रीज इन सेल्स ₹20,000। एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है, ये भी तो फायदा है। तो डिक्रीज इन एक्सपेंसेस 20,000, तो टोटल मिलाकर क्या आ गया? 40,000। इसको मैं नाम दे रहा हूँ इंक्रीमेंटल CFBT। माइनस क्या करोगे? डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर सकते, हमको माइनस करना पड़ेगा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। और कैसे निकालोगे? डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन कितना था, और ओल्ड मशीन का आंसर कितना आ गया? 10। अब जो आएगा वो आएगा हमारा इंक्रीमेंटल PBT 20,000। टैक्स का रेट 50%। अभी क्या करना? ये हमको मालूम है। तो क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंटल CFAT 1-2 कितना? क्या इसको नोट करना चाहोगे? हाँ, ये भी काम आएगा, इसको भी अल्टरनेटिव में नोट कर लेना, जरूरत पड़ेगी। जरूरत नहीं, वो भी काम आएगा ना यार, दोनों बनाना पड़ेगा। एक तो आपने बना लिया, मैंने कहाँ कटवाया उसको, बाकी काटना है क्या? नहीं, तो ये वाला भी नोट कर लीजिए। तो सर एग्जाम में दो दो बना के आएंगे क्या? तो बेकार का क्वेश्चन कोई नहीं करेगा। मैं बच्चों को बोलता हूँ FM में बहुत टाइम रहेगा आपके पास बनाने के लिए, तो आप इसको गलत इंटरप्रिटेशन, मेरा ये कहना एक दो क्वेश्चन नहीं बचे बनेगा तो उसका टाइम बचेगा ना यार। हाँ, आराम से। और किसी वर्किंग नोट की जरूरत है या फिर सीधा टेबल बनाना स्टार्ट? टर्मिनल मतलब आज बेचोगे तो भगवान, सुनो ना टेबल ही बना लेते ना, जो लगेगा बना देंगे, आप कहाँ टेंशन ले रहे। अब वहां बनाते हैं ना यार, तो पता लगेगा यार। हाँ, तो जो सैलवेज होगा वही टर्मिनल वैल्यू होगा। हो गया, तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ NPA। अब तो टेबल याद हो गई होगी।
तो जनरली फैक्टर कितना परसेंट लेना है? जीरो न्यू मशीन कितने की? 1,00,000 ऑफ ओल्ड मशीन 0,01 मशीन ओल्ड मशीन कितने की बेच रहे हो? 10 और खरीदा कितने का? 1,00,000 नहीं, बुक वैल्यू से कंपैरिजन करते ना, तो टैक्स तो लगेगा नहीं यार, कैपिटल लॉस हो रहा है, और कैपिटल लॉस हो रहा तो टैक्स सेविंग्स होती है, वर्किंग नोट तो आएगा। यहाँ नहीं लिखना है, है ना? मेरे पास उधर पेज नहीं, आपको सेल्स कंसिडरेशन बोलो कितना? 10 माइनस क्या करोगे? बुक वैल्यू 60,000, तो ये क्या आ गया हमारा? कैपिटल लॉस। पचास हजार टैक्स सेविंग्स, 25,000 सेल्स कंसंट्रेशन या सेल ऑफ ओल्ड मशीन, सीधा सीधा कर लेते हैं, कितना? 35,000। ये क्योंकि हो गया 1 और ये हो गया 2, यहाँ 1+2 हो जाएगा। कितना बचा नेट? 95,000। अब आ जाएगा हमारा इंक्रीमेंटल कैश इंट्रोस। इंक्रीमेंटल सीएफटी ऑलरेडी निकाला आपने, वर्किंग नोट नंबर 1, लाइफ 1-6, कितना? 25,000 फैक्टर, फाइव
फैक्टर क्या है सिक्स्थ ईयर का? पॉइंट फाइव सिक्स सेवन, बोलो हिम्मत से। तो मैंने ही लिखा कि सबने लिखा है? ये गलत है। पॉइंट फाइव मतलब फाइव जीरो सेवन ले लेते। पक्का ना? जैसा आप बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दस हजार न्यू मशीन कितने की बिकेगी भाई? दस हजार। ओल्ड मशीन का सर्विस तो जीरो दिया। ए, दस हजार माइनस जीरो दस हजार ही होगा ना भाई। तो दस हजार इंटू पॉइंट फाइव जीरो सेवन तो कितना आ गया? 5070 कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो? फैक्टर गलत लिख दिए हो क्या? जीरो तो लग सिक्स। हाँ होता है, देखने में गड़बड़ कर दी। एक्चुअली मैंने भी गलत लिखा था। वन जीरो सेवन एट फोर फाइव। एनपी भी निकल जाएगा नेगेटिव। बी माइनस ए होता है ना? वन टू एट फोर फाइव। तो क्या हमें मशीन रिप्लेस करना चाहिए? ये लो क्वेश्चन नंबर 41। ये अच्छा क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चन देखो, अ प्रोडक्ट इज करेंटली बीइंग मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ मशीन। A product is currently being manufactured on a machine that is fully depreciated for tax purpose. इसका मतलब बताओ। Tax के हिसाब से मशीन की book value है या नहीं? ये मतलब होता है ना इसका, अगर पूरी तरह से depreciate हो चुकी तो book value क्या है? Zero. And that has a book value zero. तो ये क्या चीज है? अच्छा, तो अकाउंट के हिसाब से अलग होता है और टैक्स के हिसाब से अलग होता है? पक्का? अच्छा, टैक्स के हिसाब से टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन का रेट अलग होता है और अकाउंट के हिसाब से अलग होता है, ठीक है? बुक्स में हम किसके हिसाब से दिखाते हैं और जब टैक्स कैलकुलेट किया जाता है तो किसके हिसाब से? वहां रिकंसिलेशन स्टेटमेंट वगैरह बन जाती है डेप्रिसिएशन के, ठीक? कि किसके हिसाब से हुई तो अकाउंट के, और टैक्स के हिसाब से जीरो, ठीक? द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर एज फॉलोस। एक प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट दे रखा है कितना रुपए? दस। कौन सी मशीन का? ओल्ड, है ना? कैसे पता लगा ओल्ड? क्योंकि ऊपर लिखा है। पास्ट ईयर में कितना यूनिट्स बना रहे थे? 10,000। और कितने में बेचा जा रहा था? 18। न्यू मशीन है जो खरीदी जा सकती है 75,000 की। उसका फायदा है कि एक प्रोडक्ट बनाने में आपको जो खर्च आएगा वो कितना आएगा? 8 रुपए 25 पैसे। तो देखा जाए तो यार यहाँ हमारी सेविंग दिख रही है आपको सीधा सीधा,
एक यूनिट पे कितना रुपया बच जाएगा, 1 point, और टोटल यूनिट्स कितना बना रहे हो, 10,000 बनाओगे कि बनाया है, 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, मेरा बस इतना क्वेश्चन है। पास्ट में कितना बना रहे थे, 10,000, आगे कितना बनाओगे, अच्छा देख देखेंगे 10,000 जितना भी होगा 10,000 से जो भी यूनिट्स होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हाँ वो मैंने पढ़ लिया हूँ आगे, मैं तो ऐसे पूछ रहा था, मजे ले रहा था। द फिक्स ओवरहेड आर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, क्या बोल रहा है आगे? इस फिक्स ओवरहेड में डेप्रिसिएशन नहीं है, वो अलग से करना पड़ेगा। फिर आगे लिखा ओल्ड मशीन को बेच सकते हो ओपन मार्केट में, कितने रुपए का, कब बेच सकते हो, आज, 10 years फ्रॉम नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सेल्वेज वैल्यू ₹1,000, किसकी बात है, ओल्ड, संभाल लोगे ना, ओल्ड न्यू ऐसा बीच बीच में डाल रहा है। एज रिगार्ड द न्यू मशीन इट इज लाइफ ऑफ 10 years An expected salvage 10,000. Tax rate दे रखा है, income tax rate दे रखा 0.4 का मतलब 40%, और capital gain tax भी दिया 25%, वाह मजा आएगा। Capital gain होगा तो capital gain tax 25% लगाएंगे, नहीं तो 40% भी लगा रहे हैं। For tax purpose the entire entire का मतलब पूरा, entire का तो मतलब मालूम है। Depreciated 10 years, डिस्काउंटिंग रेट आपको लेना है 10%, और फ्यूचर में भी कितना डिमांड रहेगा, 10,000 यूनिट्स। बताइए कि हमको न्यू मशीन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना, फॉर्मेट वही है हमारा। पहले क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ, पहले सुनो ना यार, नहीं बनाते वर्किंग नोट, स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, उसी टेबल से, जब जब लगते जाएगा तब तब वर्किंग नोट बनाते जाएंगे। देखोगे कैलकुलेशन ऑफ एनपी, क्या हो गया, किसी में हिम्मत है आगे जाने की? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना परसेंट है भाई डिस्काउंटिंग? हाँ 10%, 10 ही है, 10 ही है, 10। इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 0, 1, पचहत्तर हजार
पहले तो वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर वन, ओल्ड मशीन। सेल्स कंसंट्रेशन, पांच पांच हजार। 10,000 ओल्ड वाले की थोड़ी ना है, 10,000 हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो 10,000 है ना बुक वैल्यू। हम ये काम ही क्यों कर रहे हैं, सीधा 5,000 लिखने में दिक्कत क्या हो रही है, सीधा उठाओ और 5,000 यहाँ लिख दीजिए, क्या प्रॉब्लम क्या है। अच्छा टैक्स, टैक्स जीरो, जब बात टैक्स की हो रही तो टैक्स की बात करो यहाँ पूरे। आप खुद सोचो ना, बात किसकी हो रही है, टैक्स की हो रही है ना, तो यहाँ आप कैसे टैक्स वाला मान जाएगा क्या, तो भगा देगा, कहेगा जब मैं बोल रहा हूँ जीरो आप 10,000 कैसे ले सकते हो। अकाउंट की बुक वैल्यू हमारे काम की है ही नहीं। तो हम वो कभी मानते ही नहीं कि वो आपके अकाउंट की, हम तो उसको टैक्स का ही मानते हैं कंप्लीटली। आपके बुक्स में क्या लिखा, अकाउंटिंग में क्या लिखा, वो मुझे, मेरे जो क्वेश्चन में जो बुक वैल्यू दिया मैं टैक्स के हिसाब से ही मान के चलता हूं। हाँ आप लोग अकाउंट्स का मानते। अच्छा तो फिर कैपिटल गेन दिया ही क्यों है टाइम पास के लिए, कैपिटल गेन टैक्स रेट आएगा ना, आएगा यार क्या बात। उन्होंने पूछा, उनका ये कह रहा फिर टाइम पास के लिए क्यों दिया, आएगा टैक्स। आप आपकी बात नहीं, 5,000 इसका नाम क्या रहेगा, कैपिटल गेन। जीरो कैसे, कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा 25%। अब इसके लिए भी कैलकुलेटर यूज कर रहे हो क्या, 5,000 माइनस जीरो 5,000 हो गया। अच्छा तो ये आएगा हमारा नेट ऑफ टैक्स, सेल्स सेल ऑफ ओल्ड मशीन आ गया कितना, 3,700। कोई बताएगा कैसे आया 3,700। मैं समझ गया हूँ, क्लास ओवर करना थोड़ी देर बाद। मुझे बताओ कौन सा वाला 5,000, ये वाला ना, 2, 1 - 2। तो आज की क्लास से मुझे ये अनुभव मिला कि क्लास इवनिंग में ही होना चाहिए। तो यहाँ के ना गया 3,750, 0, 1, 7, 5, 0 और 3,750, 7, 1, 2, 5 खुश। वैसे मैं सीए बन चुका हूँ। हाँ नहीं करना चाहिए क्योंकि बाद में आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओ। इंक्रीमेंटल कैश
इनफ्लोस और क्या जाएगा इंक्रीमेंट सी एफ ए टी वर्किंग नोट नंबर टू एक्साइटमेंट लेवल हो गया ना नहीं ऐसा नहीं यार सीए बनने के बाद अपनी लाइफ होती है अब वो डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो जॉब करना है प्रैक्टिस करना है टीचिंग करना है अपना ऑफिस है वो उस पर डिपेंड करता है अब वो अगर आप ये कह रहे हो कि सर सीए बनने के बाद मुझे जॉब करना शुरू में प्रॉब्लम है जैसे ही आप सीए बना उसके बाद जॉब कर रहे हो चाहे प्रैक्टिस करो स्ट्रगल है शुरू में एक दो साल उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी है और मैं यहाँ मेरे कितने सारे बच्चे यहाँ के आपको पता भी है कि कितना किसी बच्चे ने अभी एक मैं तो डिस्कस किया था स्नेहा जैन करके मेरी स्टूडेंट है मुंबई में जॉब करती है उसका एक टाइम पर एक ग्रुप निकला सेकंड टाइम पे सेकंड ग्रुप निकला और बोलते लोग कि यार पैकेज नहीं है ये नहीं है उसको 30 लाख का पैकेज सीधा पहला जॉब उसका सीधा 30 लाख रुपए का पैकेज तो यार मिलता है बिल्कुल अच्छे से खैर इसके बाद डिस्कस करूंगा मैं सारी चीजें सबसे पहले इंक्रीमेंटल सी एफ ए टी वर्किंग नोट नंबर टू कोई है जिससे आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है चुन चुन के बेटे मालूम है टेस्ट में चुन चुन के आंसर शीट दिखा के डिस्कस करूंगा क्या सोच रहे हो कैलकुलेटर हो तो भाई कैसे किया जाए क्वेश्चन को दो तरीके से किया था हमने छोटे वाले तरीके से तो सबसे पहले इंक्रीज इन सेल पहले कितना यूनिट से बना रहे थे 10,000 और कितने के बेच रहे थे 18 रुपए अब आगे कितना यूनिट्स बनाएंगे 10 रुपए सेल कितने का कर रहे थे मैं बताऊं सेल्स कितने से इंक्रीज हो रहा है अच्छा सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है और नंबर ऑफ यूनिट्स भी सेम है तो जीरो अब इसको काटने की अपेक्षा इधर जीरो लिख दिया मैंने ठीक है अच्छा लिखा ही नहीं लिखा ही नहीं बच्चों डिक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो 10,000 इंटू ओल्ड मशीन से कितना लग रहा था एक यूनिट का 10 माइनस 10,000 इंटू न्यू मशीन पे कितना लग रहा है 8.25 तो कितना आ गया ये 17,000 पास ठीक है कुछ बच्चे मालूम है कैसे कर रहे थे 10 माइनस 8.25 × 10,000 हाँ अगर नंबर ऑफ यूनिट्स में चेंज सर उतना तो हम लगा लेते इंक्रीमेंटल सीएफबीटी अब इंक्रीमेंटल सीएफबीटी जिसने ये भर लिखा है उसको अच्छा लग रहा है बस इसी के नीचे लाइन खींच के ये लिखोगे 17,000 बस खैर लिख लिया तो लिख लिया 17,000 पर
अब आगे चले इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैसे निकालते पता है ना, डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड मशीन। न्यू मशीन कितने की है भगवान, 75 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 10, 10 साल लाइफ है कि कितना है, और ओल्ड मशीन कितना है। ओल्ड मशीन का सुनो, ओल्ड मशीन का तो जीरो ही आएगा भाई, क्योंकि ओल्ड मशीन की तो बुक वैल्यू जीरो होगी, तो आगे भी जीरो ही रहेगी। क्या बात कर रहे हो, कहां से एलवेज दिखाई दे रहा है। न्यू मशीन इंटायर का मतलब पूरा, इंटायर मतलब पूरा। अगर मैं 7.5 मतलब पूरा 75,000 डेप्रिशिएट करना है ना, मतलब हर साथ 7.5 करूंगा तो लास्ट में जीरो हो जाएगी। पूरा की पूरा डेप्रिशिएट करना ये शब्द लिखा हुआ है। अगर आप 10,000 माइनस कर देते हो तो हर साल डेप्रिशिएशन कितना निकलेगा, 6,500। क्या पूरी कॉस्ट डेप्रिशिएट हो जाएगी, नहीं। जब लिखा है एंटायर कॉस्ट, तो एंटायर कॉस्ट ही डेप्रिशिएट करना पड़ेगा ना, इसलिए सेल्वेज माइनस नहीं। कहां लिखा है एसएलएम मेथड, वो तो बोल रहा है एंटायर कॉस्ट को डेप्रिशिएट करना। आप अपने हिसाब से कैसे फॉर्मूला लगा लेते हो। और सुनो, ऐसा भी नहीं है कि मैं पहली बार बता रहा हूं, जब क्वेश्चन पढ़ा भी था तो मैंने अंडरलाइन भी करवाया था एंटायर, तो आपने भी फुल फॉर्म बताया, सॉरी हिंदी में नहीं बताया। डेप्रिसिएशन के लिए, हाँ, टैक्स पर्पस के लिए एंटायर कॉस्ट को डेप्रिशिएट करना यही लिखा हुआ है ना। अगर टैक्स पर्पस नहीं भी लिखा होता तो भी एंटायर कॉस्ट लिखा होता तो मैं पूरा के पूरा डेप्रिशिएट करता। चलो 75,000 डिवाइडेड बाय 10 माइनस जीरो, जीरो क्यों आया पता है ना, जीरो क्यों आया, 7,500। अब जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा, पीवीटी। कितना आएगा, 10,000, तो यार टैक्स जाएगा 40%, 4,000, तो इंक्रीमेंटल सीएफटी निकल गया सीधा सीधा। कितना साल, 1-10 फैक्टर, बनाए कि नहीं बनाए, आप पर छोड़ा, आप बोलोगे तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। पहले न्यू मशीन का सोचे कि एक बार न्यू मशीन बेचोगे कितने की बिकेगी, 10,000 माइनस बुक वैल्यू जीरो आएगा,
आएगा, उसमें टैक्स आएगा है ना। अच्छा ओल्ड मशीन का सर्विस दिया है क्या 1000 और ओल्ड मशीन का बुक वैल्यू मतलब आएगा। तो चलो इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू कैसे करें। हाँ साथ में मैं ऐसे कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ न्यू, इधर लिख देता हूँ ओल्ड, मतलब डिफरेंस निकाल के ऐसा भी कर सकते हो, पर ठीक है इसको अलग अलग करवा दिया हूँ मैंने, पता तो रहना। सेल्स कंसिडरेशन दस हजार और यहाँ 1000 माइनस क्या करोगे बुक वैल्यू 0 0 तो कैपिटल गेन आ गया। दस हजार और 1000 टैक्स का रेट कितना परसेंट है 25% तो 2500 और 250 टर्मिनल वैल्यू। कौन सी ईयर में यहाँ कितना 6750386 2606 8 5 5 6 4 आ गया ए बी आ गया बी भी आ गया बी माइनस ए 1 4 ए 1 4 पॉजिटिव है एक्सेप्ट डिप्रेस्ड आज क्लास हम लोग यहीं ओवर करेंगे। कल का टारगेट है, कल टारगेट के हिसाब से चल रहा है, टाइम के हिसाब से नहीं चलेंगे। कल आप 9:30 आओगे, हाँ और कोई ऑप्शन नहीं, 9:30 आओगे और कल का टारगेट है रिप्लेसमेंट खत्म, हमारा टेंशन खत्म और फिर तो इजी है, मतलब ये समझ लो 3 दिन में हमारा कैपिटल वेस्टिंग बहुत चल रहा। ठीक है तो आज के लिए इसमें 1.5 घंटा पढ़ लिया तो भी बहुत है।